हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन व्हिच इज फ्रॉम क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी एंड चैप्टर इज आवर एनवायरनमेंट। क्वेश्चन गिवन हियर इज इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। ओके, क्वेश्चन यह कहता है कि अगर हमारा जितना भी वेस्ट है दैट इज हियर सॉलिड वेस्ट, अगर वो बायोडिग्रेडेबल होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। सो लेट अस सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। See, solid waste is of two types. Solid waste is of two types. One is biodegradable, biodegradable, and the another is non-biodegradable. Okay. What does we mean by biodegradable? Biodegradable as a waste hota hai that can be easily broken down naturally by such as water, oxygen, microbes. Okay. That can be easily broken down. Okay. That can be easily broken down by various माइक्रोऑर्गेनिजम्स, राइट, दैट इज कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसा वेस्ट होता है जिसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ब्रेक डाउन इज नॉट पॉसिबल। ओके, राइट। सो क्वेश्चन यह कहता है कि अगर हमारा सारा वेस्ट बायोडिग्रेडेबल होगा, बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट, तो उसका क्या इंपैक्ट होगा हमारे एनवायरमेंट पर। सो इन द केस ऑफ बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट देन दे आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वी नो दैट दे आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। एंड अगर इसका क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, देन देयर विल बी स्लो डिकम्पोजिशन, राइट। ऑटोमेटिकली देयर विल बी स्लो डिकम्पोजिशन बिकॉज इफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विल बी इन ह्यूज अमाउंट देन देयर विल बी स्लो डिकम्पोजिशन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकॉज देयर विल बी not that huge number of microorganism will be present in the environment to degrade it. Okay, so what will happen, they will release a foul smell produce hoga, they will release foul smell, right, and harmful gases will also release that will impact our environment. Okay, so अदर प्रोसेसेस क्या हैपन होंगे यहाँ। बायोडिग्रेडेबल अगर सॉलिड वेस्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा दैट विल रिजल्ट इन ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर सम हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। ओके, अबंडेंस ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म इट मे कॉज डिसीजेस इन एनिमल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। सो देयर विल बी अनदर थिंग विल बी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एक्वेटिक मीडियम विल कॉज ऑक्सीजन डेफिशियंसी, राइट। सो क्या होगा अगर एक्वेटिक मीडियम में भी हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्रीज हो जाएगा, देन जो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा दे विल इंक्रीज एंड दैट विल कॉज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। ओके, सो दीज ऑल आर द इफेक्ट्स इफ ऑल द वेस्ट विल बी बायोडिग्रेडेबल, देन दीज ऑल आर द इफेक्ट्स विच वी विल फेस ऑन आर एनवायरमेंट। ओके, आई होप द आंसर इज क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। काइंडली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।